सभी को नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बेटा, बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें मेनली तीन टॉपिक हैं, एसीटो एसिटिक एस्टर एंड देन मेलोनिक एस्टर, और आपका लास्ट जो टॉपिक है इनामिन्स के बारे में। ठीक है सर, इनामिन्स है क्या? तो कहते हैं यदि कार्बोनिल यौगिक है, कौन सी यौगिक है? कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल यौगिक है, उनकी अभिक्रिया किससे करवा दी जाए? वो कहता है कि एमीन से करवा दी जाए। किन से करवाई जाए? एमीन से। लेकिन सर, एमीन जो होती है वो कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और। तो एमीन की अभिक्रिया अपने पास में किससे करवा दी जाए, 1 डिग्री एमीन से या 2 डिग्री एमीन से करवाई जाए? किससे करवाई जाए? तो 1 डिग्री एमिन से या 2 डिग्री एमिन से। यहां से अपने पास में इमीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा? और अगर कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन से कराते हैं तो सिर्फ क्षार का निर्माण भी होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक कदम और आगे बढ़ा देता हूँ कि वे कार्बोनिल यौगिक जिनके अल्फा कार्बन परमाणु पर, तो ये कोई कार्बोनिल यौगिक हो गया, हो गया। यस और उसके पास में मान लिया जाए ये कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा अल्फा कार्बन। और उस पर कौन से परमाणु जोड़ दिया? हाइड्रोजन परमाणु। तो वे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है की अभिक्रिया 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन के साथ में कराई जाए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उनको ही क्या बोलते हैं? इनामिन बोलते हैं, समझ गए? यस अच्छा, और ये जो इनामिन्स होते हैं इनके अंदर क्या पाई जाती है? चैलावयवता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चैलावयवता का मतलब बताया था मैंने, याद हो तो, एक एच परमाणु और एक पाई बंद का आपस में क्या पाया जाता है? स्थानांतरण स्थानांतरण। पाया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले पहले बताया था कीटो इनोल आइसोमर्स में, याद हो तो यस बताया था, उसी प्रकार से वो आपका चलावयवता ही था, ये भी चलावयवता है। मेनली बात क्या, एक एच और एक पाई बंध का स्थानांतरण होना ही चलावयवता के नाम से जाना जाता है। हो गया क्लियर? यस सर। थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। अब सर इसका निर्माण कीजिए, इनामिन्स वाला और निर्माण करते हैं। अब किस प्रकार से इनामिन्स बनाई जाती है कार्बोनिल यौगिक से अपन बना रहे हैं? तो ये तो C-O, इस समूह का नाम क्या था? कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह की यहां मैंने एक एच परमाणु जोड़ दिया तो क्या कहलाया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और उससे अगला वाला कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। अच्छा, इस अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु है या नहीं है? यस सर। इसके अभिक्रिया, तो मैंने ये कहा था वे कार्बोनिल यौगिक जिनके अल्फा कार्बन पे एच परमाणु पाए, जाते हैं। उनके अभिक्रिया कौन से एमीन से कराई जाए, 1 डिग्री या फिर? वन 2 डिग्री से। वन क्योंकि उनके पास एक एच परमाणु मिलेगा तो ये फिलहाल ही कौन सा डिग्री एमीन है? डिग्री एमिन। ये किस प्रकार से सहयोग कर रहा है? सुनो, सी से ओ जोड़ गया, ओ पर क्या आया? माइनस।
कार्बन पे प्लस इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक किया तो नाइट्रोजन पे, हाइड्रोजन माइनस पे, प्लस ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। कंपाउंड बनाए देखो, CH2H, उसके बाद में CH और नीचे OO के पास कौन आ गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। उसी के साथ ये बॉन्डिंग में कौन आ गया यहाँ पे? नाइट्रोजन। अन्य चार आ गया। यस सर। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया भैया, क्या किया? हीट किया। तो इसलिए अल्फा कार्बन कैसे लिया था कि क्या निकाल पाए, जल तब निकालने के बाद शेष बचे कंपाउंड को लिखो। तो CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया। सर। अच्छा, उसी के साथ में N और N के साथ में H और R, राइट? हाँ इसको बोलते हैं ई ना मीन्स, क्या बोल दिया? इना मीन्स इस इना मीन्स में मैंने क्या बताया था, क्या पाई जाती है? टोटोमेरिज्म या चला गया अलावयवता पाई जाती है। अलावयवता का मतलब इसमें एक एच और एक किस में स्थानांतरण होगा, पाई बॉन्ड में। का मतलब इस पाई वन में स्थानांतरण होगा और एक एच में होगा, राइट? यस सर। लाओ तो एक एच और एक पाई वन में स्थानांतरण करें, ठीक यस सर। है? तो ये जो एच परमाणु है वो तो किसके पास चला गया, कार्बन CH2 पास। और ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है? तो इसका चला गया होता फॉर्म बनाए, यस सर। CH2 आया या CH3 हो गया, CH3 डबल की जगह सिंगल और सिंगल की जगह डबल ये एन, आर तो बोल दिया इमीन, क्या बोल दिया? ईमेल। इस प्रकार से वे कार्बोनिल यौगिक जिनके अल्फा कार्बन पे कौन से परमाणु पाए जाए, हाइड्रोजन परमाणु अभिक्रिया 1 डिग्री या फिर कौन से अमीन से कराई जाए? 2 डिग्री एमिन से। अगर मैं 2 डिग्री से कराऊंगा तो बिल्कुल सीधा ही हो जाएगा, लेकिन तो कोई वो इनामीन से बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए 2 डिग्री से और करा देते हैं, है ना? तो सबसे पहले लिखा मैंने ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, यस सर। एच जोड़ा तो बेटा क्या बन गया ये अभी आपने बताया, एल्डिहाइड। और उसी के साथ में यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दिया गया, तो कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे एच परमाणु है नहीं है, है। ये अभिक्रिया अब मैं 1 डिग्री एमीन के बजाय कौन से एमीन से करा रहा हूँ? 2 डिग्री से। कौन से? 2 डिग्री एमिन से। का मतलब नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल के बजाय कितने मिलेंगे, दो ये कौन सा अमीन बन गया? 2 डिग्री एमिन कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया। सी से ये ओ प्लस माइनस और ऊपर इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पे, प्लस नाइट्रोजन पे। माइनस अच्छा जी लिखो आगे, तो CH2 नीचे ओ के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन। और एन के साथ कितने एल के जुड़ गया? अब वेलकम इसको गर्म करेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन ही किसका निष्कासन करेगा, इना जल का निष्कासन होता है। इना मीन्स वाला मीन्स बना लेगा, ठीक है ना? अब इसमें चलाव तो नहीं मिलेगी। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड। CHN RR। हाँ, इस प्रकार से इनामिन्स का निर्माण होता है, समझ गए? यस सर। आगे करें। यस सर। हेलो, तो ये तो हो गया अपने पास इनके साथ में। इसी प्रकार से एक और है जो गलियारा अभिकर्मक के द्वारा भी आप इनामिन्स का निर्माण कर सकते हो, ठीक है?
वो सुनो क्या है, तो ये सबसे पहले कौन सा समूह है? कार्बोनिल कार्बोनिल समूह है। इसके साथ में मैं अगर NH2 जोड़ देता हूँ तो अभी कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया? समूह, एमाइड, वेरी गुड, एमाइड। और ये कौन सा एमाइड हो गया? फॉर्मेमाइड। फॉर्मेमाइड। एक एक एच हटा दिया जाए, उसकी जगह अगर मैं एल्किल जोड़ देता हूँ, ये आर और यार, कितने एल्किल हो गए? ये कार्बन दो एल से जुड़े हुए, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन एन एन से डाई एल डाई एल्किल। उसके बाद ही किससे जुड़े हुए हैं? फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? एन एन डाई एल्किल। फॉर्मेमाइड। इसके अभिक्रिया मैंने करा दी गिडनियार रिएजेंट से, मान ले जब मैथिल मैग्नीशियम हैलाइड हो गया। यस सर, अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो Mg धातु पर चार्ज क्या आएगा? प्लस और यहाँ पे बंद माइनस तोड़ो C से O की ओर, O पर कार्बन माइनस पे। प्लस अच्छा जी, अब आगे चल के लिखो, तो डबल को किस में बदलोगे? ये सिंगल में हो गया सिंगल बॉन्ड O। उसके साथ में N, N के साथ कितने एल्किल हैं? दो एल्किल, दो एल्किल हो गए। इसके साथ में सी एच, और फिर उसके साथ कौन जुड़ गया? CH3, CH3। ओ के साथ कौन जुड़ गया? MgX, MgX। ठीक है ना। इसके बाद इसका क्या करा दिया? जल, अपघटन। मैं जल अपघटन करा देता हूँ। चलो ये यहाँ से है ना, ये हो गया अपने पास में जल अपघटन। OH ये बताओ अपने पास में क्या रिमूव हो गए? तो MgXOH MgS, BSc सेकेंड ईयर में RMG के अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक से कराई थी, इसी प्रकार याद होती, ठीक है ना। यस सर, अच्छा, अब बात आती है, ये क्या बचा हुआ है समूह? CH3, CH, नीचे OH और N, R और R, राइट। यस सर, अभी जाने पहचाने से लग रही है वापस से, इस CH3 की जगह मैंने क्या लिख दिया? CH2 और ये HS लिख लिया, ठीक है ना। यस सर, तो भ्रम किया, तो अभी कुछ समय पहले भी आपने प्रोडक्ट बनाया था, ये क्या निकाल देगा? जल वो वापस से क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH NRR-, ये अपने पास में क्या कहलाया? इनामिन, इससे पहले भी यही कराए थे 2 डिग्री के साथ, ध्यान करो, ये बना हुआ ना, यस सर, अभी भी यही प्रोडक्ट है। ये गिरनियार अभिकर्मक से बनाया है और वो अपने पास में किससे? एसिटाइल डीहाइड्रोजन, ठीक यस सर, है। अच्छा, अब इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया आती है एल्किलीकरण, कौन सी? एल्किलीकरण। हम यहाँ पर ये एल्किलीकरण अभिक्रिया, उसके बाद फिनिश के लिए। ये कहता है कि मान लिया जाए कि एक कोई भी आपने लिखा CH3 CH डबल बोन CH N और उसके साथ में R और R, इनामिन्स हो गया। यस सर, उसकी अभिक्रिया करा दी किससे मैंने? एल्किल हैलाइड से नाइट्रोजन के ऊपर क्या पाया जाता है? लोन पेयर, पाया जाता है। ये अपने पास में क्या किया जाएगा? यहाँ पर इनकी शिफ्टिंग करेंगे, तो ये माइनस और ये, प्लस इसमें हमने क्या किया, इस लोन पेयर है उसकी वजह से ये इधर शिफ्ट हो गया, और इसको क्या दे दिया? धक्का यहाँ पर चार्ज तो क्या आ गया? माइनस, और ये आप रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनेगी नहीं बनी? लोन पेयर सिंगल और डबल सिंगल, हो गया, यस सर, इसका मतलब क्या स्ट्रक्चर बन गया आपकी? CH3CH, डबल की जगह सिंगल सिंगल की डबल जगह, एन के साथ कितने एल्किल हैं? दो एन पर चार्ज क्या आ गया? प्लस प्लस आ गया। और इस पे क्या चार्ज है?
माइनस माइनस भी कौन जोड़ दिया मैंने आर। हाँ नाइट्रोजन है देखो चार बंद ऑलरेडी बना रहा है नहीं बना रहा यस सर ना। अच्छा एक प्लस और इसलिए लास्ट में क्या कर देंगे एच से माइनस ना। अतः हम ये कह सकते इस प्रकार से इमीनियम आयन बनाता है ठीक है। इमीनियम आयनों का निर्माण कर लेता है एल्किल हैलाइड सभी के हो गया यस सर। ये तो बेटा अपने पास में इनामिन्स का निर्माण और इनामिन्स जाती तो सर कार्बोनिल यौगिक है क्या करता है किसी भी प्राथमिक या द्वितीयक एमाइन से सहयोग करता है और अपने पास में इनामिन्स बनाता है। लेकिन कौन से कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया करते हैं वे कार्बोनिल यौगिक करते हैं जिनके अल्फा कार्बन पे एच परमाणु पाए जाते हैं उसके बाद एक इसकी रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार से आपकी ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट कंप्लीटली फिनिश कर लोगे। यस सर। चलो चलो ठीक है सर। नमस्ते सर।